बदलाव क्यों होगा? एक एक रुपया जो टैक्स का जा रहा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो किसी एक परिवार में वो सारा टैक्स का पैसा जाए, इसलिए बदलाव चाहिए क्या? जो है एकदम अच्छा है। महंगाई, बेरोजगारी की बड़ी बातें हो रही है। हम लोग का विकासशील देश है, समस्या रहती है, जॉब की समस्या है, सड़कों की है, तो उसको धीरे धीरे सही किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि टैक्स का पैसा किसी एक परिवार से सफाई गाँव में चला जाए, ये चीज़ नहीं हो रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, जो कि बहुत बेहतर चीज़ है। आप क्या सोच के वोट देंगे इस बार? हम अच्छा है भविष्य सोच के वोट देंगे, हमारा जीवन स्तर अच्छा हो ये सोच के वोट देंगे। जो भी टैक्स का पैसा सही तरीके से आए, अपराध नियंत्रण हो, सारी चीज़ सब बढ़िया है। 5 सालों में बदलाव क्या देख रहे हैं जो यहाँ पे हुआ? 5 सालों में यह है कि अपराध का स्तर बहुत कंट्रोल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है, बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई और बहुत से काम बाकी हैं जो कि ईमानदारी से हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या 5 सालों में बदलाव हो पाया है? बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ? अच्छा, जाइए आप हाईवे रोड पर, देखिए हम पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, 3 मिनट का साइकिल पंचर हो जाएगी, कमल खिल जाएगी। साइकिल ही चलेगी, पंचर नहीं, साइकिल पंचर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? कमल खिल जाएगी। साइकिल का ही देन है कि आज ये हाईवे पे जो भी पंचर कर रहे हैं ये साइकिल का ही देन है, समझ जाइए। तो क्या साइकिल चलेगी, क्या होगा? साइकिल तो उड़ रही है हवा में उड़ रही है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? क्या लग रहा है? भाजपा जीत रही है। कह रहे साइकिल चल रही है, जीत रही है भाजपा। कैसे? क्या नहीं किया है भाजपा ने? क्या किया है? बहुत सारी सी, एक्सप्रेसवे बन गया, राम मंदिर, और गुंडाई जो है माफिया ही कम हुआ है, और हम लोगों के गाजीपुर में तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया है। बुलडोजर फिर चल रहा है, चल दिया है, 10 तारीख को पूरा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से भाजपा आएगी। अगले कह रहे हम आएंगे। भाजपा 300 से प्लस कर रही है। वो तो 400 कह रहे हैं। अरे उनके कहने से ना, वो 400 वो ला रहे हैं ना, 700 हो जाएगा तब आएगा उनका। रोजगार मिला? क्यों नहीं, बहुत कुछ किया है। कह रहे रोजगार नहीं मिला। काहे नहीं रोजगार मिला, जब पढ़ेगा कोई तब ना, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से। हाँ, कहीं एक क्षेत्र में रोजगार बता दीजिए कहाँ मिला है। जो हो सकता है वो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्या किस, जो भी हो सकता है। भाभी मेरी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो गई है, कर रहे कहाँ मिला है। भाई मेरा सिपाही हो गया, कैसे नहीं मिला है? बताइए क्या आपको नहीं मिला रोजगार? नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? अभी तक नहीं मिला है। कहाँ तक पढ़े हो? मैं अभी ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा। चल रहा है? हाँ। तो पढ़ाई पूरी नहीं हुआ तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? कहाँ पढ़ाई के बीच में रोजगार नहीं मिलता है? क्यों, इंटर के बाद फार्म भर दिया? बता, अभी मैं 4 फार्म भरा हूँ। कौन कौन से? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की भर रहा था, वो नहीं आया अभी तक। कलर की नहीं है भाई साहब? हाँ भाई, कलर की नहीं है हमारे भैया, सीएचएम चीफ ऑफ मेजर है। कलर में हो? कलर में कितनी आई? हाँ बात, हेलो बताओ। हाँ भाई रुको, नहीं है तुम्हारी आई? कितनी आई है? नहीं है, हाइट नहीं है, कैसे हाइट है बताओ? फैक्ट्री नहीं है। 5 सालों में इस बार सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ की विधायिका कोई काम नहीं की है, ठीक है। इस बार सरकार बदल देना है, इस बार साइकिल आएगी, ठीक है। 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, कोई भर्ती नहीं हुई है। गमछा देखिए बीजेपी का, योगी सरकार 70-70 हजार 2 हजार मास्टर के वैकेंसी लाई, 49 हजार पुलिस के, 51 हजार पुलिस की भर्ती आई। आज तक पूरा यूपी में 70 हजार वैकेंसी आई, अखिलेश सरकार में 12 हजार 16 हजार, उसमें सिर्फ एक यादव, एक कास्ट यादव, बीजेपी सबका। सपा सिर्फ परिवारवादी पार्टी है, बीजेपी सबका है। क्या कहेंगे? क्या सर? अरे भर्ती नहीं है। क्यों नहीं है सर भर्ती? क्यों नहीं भर्ती लेकर आप पढ़ेंगे तब तो होगा। ये सब जितने अहिर हैं, आवारा हैं। नहीं भाई, जातिवाद वाली बात नहीं है, जो पढ़ेगा होगा, सब बात हमारी है। अरे भैया नारे मत लगाइए। भैया बोल रहे हैं कि आर्मी की तैयारी करने वाले लगते हैं, हम भी फौज की तैयारी करते हैं। अब बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं, हमारी बहन अभी असिस्टेंट मैनेजर उत्तराखंड में, पढ़ेगी तब तो होगी, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे भर्ती होंगे? बोलिए भैया, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होंगे? विकास के नाम ने एकदम जीरो है भाजपा। कैसे? कोई भर्ती नहीं, कहाँ भर्ती आई है राज्य सरकार, कोई भर्ती आई है? विकास अपने पीछे देखिए, विकास अपने पीछे देख ले। अरे काहे नहीं हो रहा? विकास दिख रहा है, पीछे विकास दिख रहा है। पूरा रोड देखिए, जिले में कोई ऐसा रोड नहीं है जहाँ गड्ढा। पहले 5 साल, इससे 5 साल पहले देखेंगे तो गड्ढे में रोड था, और आज जाके देखिए पूरा रोड हर जगह चमक रहा है। बनारस से 4 लाख में भर्ती, 4 लाख में भर्ती, सब 4 लाख में।
है भर्ती कोई भर्ती चार लाख में भर्ती अब हम नहीं पढ़ाई पढ़ाई भर्ती नहीं है अरे क्यों नहीं है बढ़िया तो क्यों नहीं है चार लाख में भर्ती के बाद ही भर्ती है पढ़ाई आप पढ़ाई जो पढ़ाई कर रहा है वो भर्ती हो रहा है चाहे कोई भी पेपर हो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए कुछ नहीं है क्या लग रहा है भाई साहब सभी पोस्ट के लिए पैसे फिक्स थे शिवपाल यादव जी लिस्ट लेके घूमते थे लेखपाल के लिए इतना पुलिस के लिए इतना इसके लिए इतना उसी के हिसाब से भर्तियां होती थी अब चाचा भतीजे साथ आ गए दोनों कह रहे योगी जी का खेल बिगाड़ देंगे योगी जी फिर से आएंगे उसका कोई तोड़ नहीं है कोई जोड़ नहीं है यही बुलडोजर बुलडोजर जैसे चला है गाजीपुर की जनता जितने सुख और चैन से रही है वो कहीं की जनता नहीं मुख्तार अंसारी पे जितना बुलडोजर यहाँ पे चला है और कहीं नहीं चला है मुख्तार अंसारी के बेटे तो धमकी दे रहे हैं अभी सरकार आई नहीं देख लेंगे छह महीने तक कर रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी पहले हिसाब होगा उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होगा आप देख लीजिए अभी सरकार आई नहीं और यादव बंधुओं का देख लीजिए आप चाहे सैदपुर में देख लीजिए और चाहे धर्मपुर में देख लीजिए जाके तो क्या लग रहा है धमकी चलेगी या बंद हो जाएगी धमकियां तो बस 10 के बाद जैसे राजा भैया कह रहे हैं कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगा उसी तरह 11 तारीख भी आएगा और शिमला मई जून में बाबा जी बना के देंगे शिमला बना के देंगे मई जून में देख लीजिएगा ऐसा ना पासा पलट जाए कहीं ऐसा नहीं है ऐसा पश्चिम से लेके यहाँ तक देख लीजिए लहर कहीं ऐसा नहीं है अरे पश्चिम से साइकिल आई है पूरब की तरफ रफ्तार के साथ आप देख लीजिएगा साइकिल से पश्चिम में आरएलडी पे वोट पड़ा है सपा पे वोट नहीं पड़ा है किस आधार पे आप कह सकते हैं कि पश्चिम में साइकिल चली है सबने वोट दिया है जाट ने वोट दिया मुस्लिम ने वोट दिया है यहाँ पे यादव ने वोट दिया है मुस्लिम ने कैसे कह सकते हैं वहाँ भी भाजपा थी और यहाँ भी भाजपा है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भाजपा है उत्तर प्रदेश की जनता मूड बना ली और उत्तर प्रदेश की जनता अस्थायित्व तो चाहती है गुंडा राज का समापन चाहती है नारियों का अस्तित्व का सम्मान चाहती है और हर समय जिनको पूरे लॉकडाउन में भोजन दिया है जिसने बाबा ने नमक खिलाया है उसके अन्न का अनादर नहीं कर नमक का हलाली नहीं नमक का असरियत अदा करने वाली है बात बताइए इन 5 सालों में बदलाव क्या हुआ है यहाँ पे 5 साल में पहले तो अस्थायित्व मिला गुंडा राज समाप्त हो गया बुलडोजर बाबा ने इतना बुलडोजर चलाया कि सारे आतताई सारे आतंकवादी भील के अंदर चले गए अब इससे बड़ा आप बदलाव क्या चाहते हो और आपको 2002 से लेकर के 2017 तक ये जितने जो आज विकास का नारा दे रहे थे कि मैंने सरकारी नौकरी दिया 3.5 लाख नौकरी भाजपा ने दिया 3.5 लाख नौकरी वो लोग 2002 से 2017 तक दिए और 2017 से लेके 2020 तक बल्कि मोटावटी 22 कर लीजिए 22 तक में करीब करीब 8 लाख नौकरियां मिली जिसमें 4 लाख नौकरी सरकारी है 4.5 लाख और संविदा पे नौकरी है 2.5 लाख और अन्य संस्थाओं द्वारा जो दिया गया कुल मिलाकर के 8 लाख नौकरी मिली ये पूरा लोग अपना इतिहास रट लें कि कितना नौकरी दिए जिस आज जो पेंशन की बात चल रही है जो 2004 में जिसके पिताजी ने समाप्त किया जिसके पिताजी ने जिस पेंशन को समाप्त किया 2012 में उसी की सरकार थी बेटे की उसी के बेटे की सरकार थी वो पेंशन को लागू नहीं किया आज जनता को ठगने की बात चल रही है केवल कि हम पेंशन के नाम पे जनता को ठगेंगे जनता समझ रही है कि अगर पेंशन लागू करेगी तो भाजपा ही कर सकते हैं अमित शाह ने उसके लिए कहा भी है कि अगर हम सत्ता में अगर का मतलब कि सत्ता में जब हमारी 11 को वापसी आ रही है पुनः उसके बाद मैं इस पर विचार करूंगा और यह जैसी व्यवस्था बनेगी किया जाएगा अच्छा ओम प्रकाश राजभर जी है उनका भी यहाँ पर माना जाता है कि बहुत बड़े नेता है जिधर जाते हैं वही सरकार बनवा देते हैं ओम प्रकाश राजभर सुनिए दोनों ओम प्रकाश चाहे पियरका साण हो चाहे इधर दोरंगा साण हो दोनों लोगों के 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों ओम प्रकाश आज के डेट में 3 नंबर पे हैं एक दो तो गया उनके हाथ से और उनके साथ यही मोदी जी की सभा थी कम से कम वहां से जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं 50% से एबव भर बिरादर जो उनके साथ कह रहे थे आज वो भाजपा के साथ है किस बात पे आज जिनकी बात कह रहे हैं वो कालीचरण राजभर 2 बार उनको विधानसभा का धूल चटा चुके हैं और वही मैदान पे आज भाजपा के साथ हैं इसलिए भारत माँ का विजय वहाँ स्वाभाविक जनता पार्टी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर जी सदन में विधानसभा पहुँच गए वो भारतीय जनता पार्टी की देन है आप 10 तारीख को देख लीजिएगा 3 नंबर पे रहेंगे ओम प्रकाश राज भी राजभर अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे वो अखिलेश को मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे आप देख लीजिए जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति देख लीजिए फाजिल नगर में
वो कह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई बहुत टफ है। बकौल स्वामी प्रसाद वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि फाजिल नगर में लड़ाई बहुत टफ है। ऐसे लोग अखिलेश को कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो खुद अपनी सीट हार रहे हैं। अपनी सीट संभाले, फिर दूसरे अपनी सीट हार रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाएंगे। ऐसे लोगों का क्या नाम लेना है? आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्यों वोट दे रहे हो भाजपा को? विकास, गुंडा मुक्त यूपी, और कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। कानून का राज, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विश्वास, और उसके साथ साथ गरीबों को फ्री राशन। कोरोना काल में अगर इन लोगों की सरकार रही होती, चाहे केंद्र में कांग्रेस की हो, चाहे यूपी में किसी और विपक्षी पार्टी की होती, तो पूरे कोरोना काल में लाशें बिक जाती, उसका भी देख लीजिए, एक्सपोज हो चुके हैं। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। क्या बोले, भाजपा सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश से, आ रही है, विकास किया है भाजपा सरकार ने, बहुत विकास हुआ, गुंडाओं को जेल भेजा है और हर जगह विकास किया है, रोड बनवाया है, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज कितना खुल गया, तमाम कामें की है भाजपा सरकारों ने। अखिलेश जी वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, बुलडोजर के ऊपर साइकिल चढ़ रही है, कह रहे 10 मार्च के बाद ऐसे ही चढ़ेगी। बुलडोजर के ऊपर साइकिल कैसे चढ़ सकती है? बुलडोजर पे साइकिल के ऊपर जब भी चढ़ेगी, बुलडोजर साइकिल के ऊपर ही चढ़ेगी, और बुलडोजर चढ़ गई है साइकिल के ऊपर। बाबा का जो बुलडोजर है वो विकास में भी काम करता है, और यहाँ पे जितने आतंकवादी है सबको हटाने में भी काम करता है। और हकीकत है कि कभी साइकिल बुलडोजर पर चढ़ी नहीं सकती है, सपना वो देख रहे हैं, सपना ही रह जाएगा। वो कह रहे आशीर्वाद मिल रहा है, कृष्ण जी का भी आशीर्वाद। बाबा क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी कह रहे कृष्ण जी भी आशीर्वाद दे के गए हैं सरकार बनाने का, सपना में दे गए हैं। इस बार पहले तो वो सीट हार चुके हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर, जैसे लग रहा है कि उनसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जो कि यहाँ से हम लोगों के विकास पुरुष ने उनको नेता बना दिया, ना तो उनको समझ में आ गया होता कई हजार वोट है, उससे पहले भी वो चुनाव लड़े हैं। अब वही स्थिति होने वाली है ओम प्रकाश और अखिलेश यादव की, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जाति पे बड़ी बात होती है, जैसे वो राजभर है, कह रहे कि राजभर मुझे वोट देगा, क्या ये फैक्टर है जातिगत? इधर एकदम नहीं है, 1% राजभर जाति का इसलिए फैक्टर नहीं है कि जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से भारतीय जनता पार्टी से भी तो कोई राजभर लड़ रहा है, जात का कोई फैक्टर नहीं है। जो विकास करेगा, जो आतंकवादियों से छुटकारा दिलवाएगा, जो अपने आप को सुरक्षित जिस सरकार में महसूस करेगा, लोग उसको बहुमत देंगे अपने। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मौका देना चाहिए, युवा है, इंजीनियर है, बाबा भाई तो लैपटॉप चलाना देना चाहिए। 5 साल लोग मौका दे चुके हैं, वो परिवार को बढ़ाने वाले हैं और परिवार को बर्बाद करने वाले हैं, और इससे अधिक वो कुछ नहीं जानते हैं। बाप का नहीं हुआ कि जनता का क्या होगा? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? जनता में क्या कर सकता है? वो कहते हैं सारे रोड हम बना के गए, फ्लावर बना के गए, योगी जी आए फीता काट के चले गए। कोई रोड नहीं बना के गए थे, ये 5 साल आया था योगी जी का सरकार, उसमें पूरा जमनिया में, चाहे गाजीपुर में, हर जगह आप जाके देख लीजिए, पूरा रोड नहीं था। उससे पहले 5 साल में रोड में गड्ढे थे, पूरा चारों हर जगह गड्ढे थे। खोज भी उन्होंने ही किया था, अखिलेश यादव ही भारत की खोज किए थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। देखिए जो स्थिति है, जो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी सफाई, आप कह रहे हैं कि विकास करेंगे, वो सफाई का विकास करेंगे, जो महोत्सव करेंगे सफाई में करेंगे, जो सफाई का महोत्सव करेगा उसको यश भारती का पुरस्कार दिया जाएगा, वह देश का काम नहीं करेगा, वह उनका काम करेगा, उसको यश भारती का जो सबसे सम्मानित पद है, जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है वह उनको दिया जाएगा। ये क्या है, या परिवारवाद चलाने के लिए बैठे हो कि देश के शासन करने के लिए? इस प्रदेश की जनता को कहां ले जाना चाहते हो? क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? हेलो, मैं भोला कुमार साहनी, और आप सभी को जय भीम जय भारत। मैं एक बात आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद 2022 आ गया, इतने दिनों में कितने पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिला, और कहां तक आप लोग को विकास मिला। मैं एक ही बात आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2022 तक की जो सरकार चली, हमको सरकार कैसा चाहिए, न मुझे चमार से मतलब है, न यादव से मतलब है, न भूया से मतलब है, बस मतलब एक से है कि जो पूरे जनसेवा की सेवा हित के लिए लायक हो और कार्य कर सके। और दूसरी बात आप लोग ये सुन लीजिए कि जो गैस सिलेंडर और राशन
आज जो गैस सिलेंडर 450 के लिए आप लोग को मिला, आज 1020 रुपया वसूला जा रहा है। जो राशन 5 किलो मिला महीने में, और आपको 2 साल बैठा करके 100 रुपया महीना से जोड़ लीजिए, आपका कितना नुकसान हुआ इसको समझते हुए, जिसको आप अच्छा समझे उसको वोट दे, अन्यथा न दे। संविधानिक दृष्टिकोण से आपका लाभदायक। मुझे एक बात बताइए, सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आपको कौन अच्छा लगा? समाजवादी पार्टी, जो पहले 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, आज उसके विकल्प पे, उसके सेवा पे भाजपा अपनी वर्चस्व से जमा रही है। 100 नंबर को 112 कर दिया, एम्बुलेंस को अपने पक्ष में ला दिया। तो आपको जो सुविधा अखिलेश यादव ने दिया, लाइए एक बार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, साइकिल की झंडा को लहराइए। क्या नाम है? चलिए कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। सुने भैया, क्या नाम है? विष्णु जायसवाल। विष्णु जायसवाल, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तय भाजपा। युवा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? युवा विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। कहते हैं विकास नहीं हुआ, युवा सबसे पिछड़ा रहा। विकास अगर हुआ होता तो पहले दिख गया होता आज तक। आज जो विकास दिख रहा है वो हर एक समाज के नजर में दिख रहा है। आपको क्या विकास दिखाई दिया इन 5 सालों में? विकास हमें हर जगह, मतलब आपके मेन हाईवे दिख रहा है, और चलने के साथ साथ पूरी गांव के विकास, और क्या नाम से, सफाई स्वच्छता अभियान, और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब गिनाए तो बहुत लंबा लाइन लग जाएगा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, विकास हो ना हो लेकिन भ्रष्टाचार कम हुआ है, हुआ है एकदम से। अखिलेश जी तो कहते हैं बढ़ गया है। अखिलेश जी क्या बोलेंगे? अखिलेश जी तो बोलते हैं कि जल्दी में हो गया। अखिलेश जी क्या बोलेंगे? वो तो खुद ही बोलेंगे, लड़के हैं गलती हो जाती है। मतलब गलती हो जाती है तो इसका मतलब कोई उसका उपाय नहीं है, गलती हो जाती है। योगी मौका नहीं दे रहे इस बार, कहा जाएंगे वो गलती करे और देश की युवा कहा जाएंगे? अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं ना कि हम गलती करें, लड़के हैं, लेकिन देश की युवा कहा जाएंगे? जो गलती हो रही वो कर रहे हैं। चाचा ठीक हो? ए भैया, जमनिया रेवतीपुर, अगर 5 साल पहले गई रहता ना तो था अलग रहित के, पता नहीं आइयो पहुंच पाओ रहित की ना। ठेवना ठेवना भर हमनी का एक्सीडेंट रोज, डेली एक्सीडेंट। पारस राव वकील मर गई ना, आई गढ़ुआ मकसूदपुर, इतना गढ़ा रहे, खाली गढ़ा बचावे में। मलसा का सबसे यानी बड़े आदमी हो जाए, मोटरसाइकिल मार दरस, मोटरसाइकिल छिटा के आदमी लाश लात के लिए ना। 5 साल में जो रोड बन गया ना भाई साहब, यानी जमनिया वाला जाके देख लीजिए और रेवतीपुर भदौरा का हमारे वाला देख लीजिए। बदलाव होगा नहीं होगा? बदलाव सब सवाल ही नहीं उठता है, इतना जो विकास किया उसका बदलाव हो जाएगा? एक बार तो मनोज सिन्हा को हरा के आदमी रोत हुआ, अब का फिर हुए काम हुई? क्या बात कर रहे हैं, सांसद को हरा दी, 2 लाख अधिक वोट पाया था, लेकिन सपा बसपा का गठबंधन रहे, 10 दिन में टूट गई, इहो 13-14 को टूट जाए, बिखर बार फिर गठबंधन है, अब की बार राजभर से गठबंधन हो, खत्म हो जाए, समझ लो समाजवादी पार्टी के लेडू।